हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? यो क्या आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था अभीरा अनोखी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अनोखी जो होती है वो अभीरा को किस करती है और इतना ही ज़्यादा रोमांटिक वे में किस करती है कि अभीरा की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो उसे इतना ज़्यादा फील होने लग जाता है कि वो डर के मारे कॉले कट कर देते हैं। उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह ऐसे अपने दिल पे हाथ रखते होते, ओह माय गॉड, ये मेरा दिल इतने तेज से क्यों धड़कने लगा, मुझे क्या हो गया है, आज तक मेरी इतनी कभी हालत नहीं हुई, ये सब क्या था। तो अभीरा हंसने लग जाती है और सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कि अनोखी इतने दूर बैठी है मुझे, सात समंदर दूर बैठ के भी उसने मुझे इतना कैसे फील कर लिया, और मैं उसे इतना फील कैसे कर सकती हूँ, इतनी दूर वाले किसने मेरी हाल ख़राब कर दिया, और अगर कभी उसने मुझे रेल में किस किया तो मेरा क्या हाल होगा। तो अभीरा खुद पे हंसने लगती है और वहाँ पे अनोखी कहती है, शिट, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, कहीं वो मुझे नाराज़ ही ना हो जाए, शिट शिट शिट, क्या जरूरत है ये सब करने की। और अनोखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि पता नहीं अभीरा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं ये ना सोचे कि मैं भी उड़ू की तरह, शिट शिट, उन्होंने मैंने क्या कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मुझे हो क्या गया था, मेरा खुद पे कंट्रोल कैसे टूट गया, आज तक मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया, हमेशा खुद पे कंट्रोल करती तो आज कैसे। तो अनोखी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ अभीरा की हालत ख़राब होती है, काफ़ी देर तक वो ऐसे ही बैठी रहती है, उसकी धड़कने जो है वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल में होने लगती हैं, उसकी धड़कने नॉर्मल होने लगती हैं। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, अभीरा देखते हैं कि अनोखी की वॉइस मैसेज आया, अभीरा जैसे वो वॉइस मैसेज प्ले करती है तो उसमें अनोखी रोते हुए कहती है, रियली सॉरी अभीरा, मेरा वो मीन नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आई प्रॉमिस, जब तक तुम नहीं कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं बस हो गया, मुझे पता नहीं चला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे नाराज मत होना, मुझे दूर मत जाना, प्लीज़ आई एम सॉरी। दोनों की बहुत ज़्यादा घबराई होती है, अभीरा जब उसकी वॉइस वैसे सुनती है तो कहती है, क्या बोल रही है, मैंने तो उसे गलत नहीं सोचा, इस चीज़ की मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैंने कुछ ज़्यादा फील कर लिया, ये रो क्यों रही है। तो अभीरा जो है वो अनोखी को मैसेज करती है, कहती है, हे रिलैक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं समझा, इनफैक्ट गलती तो मेरी है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत घबरा गई थी, आई एम सॉरी। तो अनोखी जैसे वो वॉइस मैसेज सुनती है तो उसकी सांस भी सांस आती है और वो कहते हैं, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी यार, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो अभीरा जो है वो तुरंत से अनोखी को कॉल कर लेती है, अनोखी जैसे कॉल रिसीव करती है तो चुप करके बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती। अभीरा बोलती है, हे क्या हो क्या, अनोखी बोलती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, अभीरा बोलती है, रिलैक्स, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, ओके इट्स ओके। अनोखी बोलती है, शायद मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, आपको बहुत बहुत बुरा लगा होगा ना। अभीरा बोलती है, नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगा। अनोखी बोलती, फिर आपने कॉल क्यों कट की, आप पक्का मुझे नाराज़ हो गए इसलिए कॉल कट की ना। अभीरा बोलती, नहीं ऐसा नहीं है, बस मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पाँव में से एकदम से पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा था मन में, तो समझ नहीं आया क्या करूँ इसलिए मैं कॉल कट कर दी। अनोखी बोलती, पक्का नाराज़ नहीं हो, बुरा नहीं लगा आपको। अभीरा बोलती, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे तो, अभीरा ऐसे बोल के एकदम से चुप हो जाती है। अनोखी बोलती, आपको तो क्या, अभीरा बोलती, नो नथिंग, कुछ नहीं यार, बाद में बात करते हैं। अनोखी बोलती, हे वेट वेट वेट, ओके आई एम सॉरी, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी ना ही कुछ करूँगी, प्लीज़ कॉल मत काटना, ओके कॉल पे रहो। तो अभीरा बोलती, तो उसके बाद ये दोनों जो है वो कॉल पे रहते हैं, लेकिन अनोखी कुछ नहीं बोलती ना ही अभीरा कुछ बोलती है, कि दोनों एकदम से साइलेंट पे ही चले जाते हैं। और ऐसे ये लोग काफ़ी देर तक चुप बैठ रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, तभी अभीरा को ऐसा फील होता है जैसे अनोखी रो रही है, और वो कहती है, अनोखी आर यू क्राइंग। तो अनोखी रोते हुए, नो आई एम नॉट क्राइंग। अभीरा बोलती है, यस यू आर क्राइंग, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, आर यू ओके। तो अनोखी कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। अभीरा बोलती है, रो क्यों रहे हो, कुछ बोलोगे, अब क्या किया मैंने, क्या मुझे कोई गलती होगी। अनोखी बोलती, नहीं गलती तो मुझसे हुई है। अभीरा बोलती, लेकिन क्या। अनोखी बोलती, वो हरकत करके, जिस वो स्टूपिड हरकत की वजह से आप मुझे नाराज़ होगी, वो बात तक नहीं करी। अभीरा बोलती, ऐसे नहीं है यार। अनोखी बोलती, ऐसे ही है, तभी तो आप एकदम चुप बैठे हो, कुछ बात नहीं कर रहे मुझसे। अभीरा बोलती, ओके ओके, वेट 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 यार, इतनी बड़ी होकर रोती हो, हद है, शर्म नहीं आती। अनोखी बोलती, अभीरा बोलती, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी यार, आप कहाँ बड़े हो, आप मुझे बिल्कुल बड़े नहीं हो, हम तो सेम एज के हैं। हाँ अनोखी बोलती, झूठ में बोलो, तुम स्कूल में हो, मैं कॉलेज में हूँ। अभीरा बोलती, हाँ कॉलेज में हो, लेकिन कभी जाती नहीं हूँ। अनोखी बोलती, मैं क्या करूँ, लॉकडाउन लग गया यहाँ पे।
अभी तो ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं आपसे निराश होकर चुप नहीं बैठी थी, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बहुत घबरा गई थी। अनु की बोती, हाँ मेरी एक स्टूपिड हरकत की वजह से है ना। मेरी बोती वो कोई स्टूपिड हरकत नहीं थी यार, वो मुझे ठीक था, अनु की बोती जस्ट ठीक था। मेरी बोती नो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा जो नो डर लग रहा था, घबराहट थी, आई डोंट नो क्या था, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था। अनु की बोती झूठ में बोलो, मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हूँ, मुझे पता है। अब मेरी बोती नहीं नो यार ऐसा नहीं है। अनु की बोती फिर चुप होकर क्यों बैठी थी, हाँ बात क्यों नहीं कर रही थी। अब मेरी बोती क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ, अचानक से आपने वो किस कर दिया और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया और फिर अचानक से मेरा दिल घबरा गया और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो डर के मारे मैंने कॉल कट कर दी। आपको पता मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, 15 मिनट लगे मुझे नॉर्मल हार्ट बीट लाने में, मुझे तो डर लग रहा था इसलिए चुप बैठी थी। सॉरी क्योंकि पता मुझे डर लग रहा था, मेरे पता नहीं अपनी फीलिंग से डर लग रहा था, एक छोटी सी किसने मेरा ये हाल कर दिया था, अगर अब थोड़ा और ज़्यादा किस करती तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता, बस इसलिए कॉल कट गया था। उनके पति पक्का गुस्सा नहीं हो, अब मेरे पति हाँ पापा पक्का गुस्सा नहीं हो, आई एम सॉरी। उनके पति पता कितना घबरा गई थी, मुझे लगा था आप मुझे कोई घटिया लड़की समझ रही होगी जो सिर्फ ये सब चीज़ें करना चाहती है आपके साथ, और मेरे पति व्हाट ये सब चीज़ें मतलब, उनके पति मत प्यार, अब मेरे पता है तो प्यार मैं आपसे करती हूँ ना, अभी तो मुझसे करती हो। अना क्या बोती नहीं इडियट, मेरा मतलब कि अभी मेरा पति क्या मेरा मतलब साफ साफ बोलोगे। अना क्या बोती मेरा मतलब कि जो मैं कर रही थी उस टाइम वो किस और वो पाँव में लेना और वो सब, आई एम सॉरी मैं तो भूल गई थी, आप अभी माइनर हो आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता। अब मेरा पति हेलो मैं कितनी छोटी नहीं हूँ ठीक है ना, मुझे पता है जहाँ प्यार होते हैं वहाँ ये सब करते हैं लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। अनु की पति ठीक है आई एम सॉरी कभी नहीं करूँगी। अब मेरा पति मैंने ऐसे बोला कि कभी मत करना। अनु की पति अरे खुद तो बोला। अब मेरा पति मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो चाहती हूँ ना कि आप करो। अनु की पति व्हाट अब ये चाहते हो कि मैं आपके साथ वो सब करूँ। अब मेरे पति के क्या नो बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला ऐसे नहीं बोला मैंने। अनु की पति अरे अभी तो बोला। अब मेरे पति हाँ कुछ भी हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ओके भाई मैं जा रही हूँ। अनु की पति ओके ओके फिट 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 सॉरी 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 मेरे ना शायद कान खराब हो गया, मैंने गलत सुन लिया, आपने ऐसा नहीं बोला, हाँ हाँ आपने ऐसा बोला ही नहीं। तो ये दोनों थोड़े घबरा जाते हैं, दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, दोनों का ही फर्स्ट टाइम होता है इसलिए दोनों चुप करके फिर से बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर अभी बोलती है अब मैं चुप होती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि नाराज़ हूँ, फिर से रोने मत लगना। अनु की बोती आपको क्या लगता है मैं बात बात पर रो देती हूँ। अभी बोती हाँ रो देती हो, इतना तो मैं नहीं रोई जिंदगी में जितना आप रोते हो। अनु की बोती ज़्यादा नहीं हो गया। अभी बोती बस 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 आप रोते हो मुझे पता है रोत लू कहेंगी। अनु की बोती मैंने एक बार क्या रो लिया, मेरा नाम ही रोतलू रख लिया। तो अभी बोती हाँ रोतलू ही बुलाऊंगी अब मैं आप, क्या आप रोत लो छोटी सी बात पे रो दिया, पता नहीं आप घर में कितनी बार रोती होगी। अनु की बोती हेलो मेरे घर में मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, कोई मुझे रोने नहीं देता पता है। अब मेरे बोती हाँ क्योंकि पता है बहुत बुरा रोती हो इसलिए कोई आपको रोते हुए देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस इसीलिए रोने नहीं देता। अनु की बोलती हेलो पता भी है यहाँ के लोग सारे मरते हैं मुझ पर, क्या लड़के क्या लड़कियाँ सारे लाइन मारते हैं मुझ पर। अभी रहती हो बस 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 ज़्यादा नहीं होगा, फेंकू गएंगी आपका नाम ना फेंकू चंद रख लेती हूँ कैसा लगेगा यार, दो दो राम हो गए, कभी कभी रोक लो बुला लूँगी कभी कभी फेंकू चंद क्या बोलती हो। अनु की बोलती देखो मेरा मजाक मत बनाओ। अभी रहते हाँ तो हर कितनी मजाक वाली मजाक ही बनाऊँगी ना। अनु की बोलती बहुत बोलती हो देखो अपनी उम्र से ना ज़्यादा बातें करती हो। अभी रहती ओ हेलो मैंने अभी तक अपनी एज नहीं बताई ओके, और हाँ मैं बड़ी हूँ कुछ छोटी बच्ची तो हूँ नहीं। अनु की बोती मुझे पता है आपकी एज मैडम, ज़्यादा मत बोलो ड्रामे तो मेरे सामने कर रही मत, चुप करके बैठो। अभी बोती तो फिर एकदम से चुप हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है कि इसे मेरी एज को क्यों बार बार बीच में ला रही है। तो उसके बाद अभी कहती है कि हर बार एज अच्छा ठीक है बाय। अनु की बोती अच्छा अच्छा ओके 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 ठीक है आप छोटी नहीं हो, छोटी तो मैं हूँ, देखो मैं नन्ना मुन्ने से प्यार से क्यूट से बच्चा हो रहा है एकदम शैतान लड़की। अभी बोलते हेलो मैं कुछ शैतान हूँ, मैं नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी छोड़ो मैं कुछ नहीं हूँ चुप हो जाओ एकदम मुझे पढ़ाई करने दो। एक तो मैं पढ़ाई नहीं हूँ, पहले लड़ाई कर ली थी मुझसे पता है अच्छे से, जब लड़ाई करती मुझे नहीं पढ़ा चाहता। अनु की बोती अच्छा अच्छा ठीक है मैंने लड़ाई करी होगी हम छोड़ी जाओ पढ़ाई करो।
मीरा होती है मतलब मीरा अपनी बुक्स लेती है और पढ़ने बैठ जाती है, और अनोखी जो होती है वो ऐसी वेट कर रही होती है कि मीरा कब फ्री होगी, कब बात करेगी। लेकिन ना मीरा उतने ज़्यादा टाइम कुछ नहीं पढ़ा, तो वो सोचती है कि वो पढ़ाई करेगी, और अनोखी बेचारी वेट करते करते सो जाती है। और मीरा कहती बस ये एक चैप्टर कर लो, उसके बाद अनोखी से बात करूँगी। और तभी वो कहती है अनोखी बस एक चैप्टर और, हाँ फिर हम बात करेंगे। तभी उसे अनोखी की सांसें सुनाई देने लग जाती है, उसकी खराटों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। बस कहती लो जी मैडम तो सो भी गई, मैं अभी ना बिल्कुल आज के लिए ना टाइम नहीं दे पाती, और जो टाइम बचता है उसमें तो हम दोनों लड़ाई कर लेते हैं, पता नहीं कब हम दोनों को अक्ल आएगी। तो उसके बाद अभी जो होती है वो फिर से पढ़ाई करने लग जाती है, पढ़ाई करते करते वो बहुत थक जाती है, और उसे सोते सोते सुबह के 3 बज जाते हैं, और 6 बजे उसकी मम्मा से फिर से उठा देती हैं। मेरा कहती मम्मा सोने दोनों, एक तो सारी रात पढ़ती रही, मेरी आँखें दुख रही हैं। उसकी मम्मा कहती अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 1/2 आवर है, सोचो उसके बाद तुम्हें रेडी भी होना है स्कूल के लिए। तो कहती हाँ मम्मा ओके। तो अबीरा फिर से सो जाती है, और उसके बाद उसकी दीदी उसे थोड़ी देर बाद ही उठाती है, कहती उठो स्कूल नहीं जाना अभी, रख क्या मुसीबत है यार अभी तो सोई थी। उसके बाद फिर उठो 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 देर हो रही है, तो वो जल्दी से उठती है और जाके रेडी शेडी होती है, रेडी होकर मोबाइल की तरफ देखती है और कहती है कि शायद अनोखी सो रही होगी इसलिए वो हैंड पे काम ही लगाती नहीं है, और कहती है कि ठीक है आप सो जाओ गुड नाइट, ऐसे मैसेज कर देती है। लेकिन तभी उसे उसके हैंड पे से कुछ आवाज़ आने लगती है, वो जैसे हैंड पे काम में लगाती है तो उसमें अनोखी बोल रही होती है अच्छे से जाना, अच्छे से पढ़ाई करना, मुझे नींद आ रही है गुड नाइट, कुछ खा के जाना। तो नींद में बोल रही होती है, तो फिर हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है सोच लूँ राम गुड नाइट। तो अनोखी बोलती है डोंट कॉल मी सोच लूँ राम। अभी रहती है हाँ तो क्या करूँ और तुम सोती रहती हो, तो यही बोलूँगी ना मेरा छोटू से सोच लूँ राम, चलो सो जाओ गुड नाइट। तो अबीरा मोबाइल रख के हंसते हुए नीचे की तरफ चल जाती है, जब वो नीचे जाते तो उसका मूड काफ़ी अच्छा होता है, तो उसकी मम्मा से ब्रेकफास्ट लेती है और अबीरा मज़े से यम यम करके खा लेती है। उसकी मम्मा कहती है वाह भाई आज तो ब्रेकफास्ट करने में कोई नखरे नहीं, क्या बात है लगता है मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा। अबीरा कहती हाँ क्योंकि मुझे सब याद हो गया, पता है मैंने रात को 4 चैप्टर कवर किया, मेरे दोस्त ने सिर्फ 3, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो सकती है। उसकी मम्मा कहती लो जी दोस्तों के साथ ही कॉम्पिटिशन करती है, तो कहती क्या करूँ उनसे कमाए ना तो आपने मुझे जीने नहीं देना ये मुझे पता है। उसके बाद अभी रास्ते में अपना बैग लेती है और फिर स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे स्कूल पहुँचती अपने दोस्त को कहती तुझे पता है मैंने कल रात में 4 चैप्टर कवर कर लिया। उसकी दोस्त कहती वाह यार बहुत अच्छी बात है मैंने तो 5 कर लिए। फिर कहती क्या तूने कैसे 5 कर लिए रात को तो तुम बोलते 3 किए हैं। कहती हाँ उस टाइम 3 किए थे, एक सोने से पहले कर लिया तो हो गए ना 4। कहती हाँ फिर भी 4 5 कब किया। कहती सुबह जल्दी आँख खुल गई थी तो बैठ के 5 भी कर लिया, 5 हो गए। तो अभी कहती लो जी मेरे अलावा मेरी सारी दोस्तें पढ़ रही हैं सिर्फ मैं ही पढ़ रही। तभी एक और लड़की आती है कहती यार छठा चैप्टर कितना टफ था मुझे तो हो ही रहा था। अभी कहती तूने छठा भी कर लिया। तो उसकी वो दोस्त कहती हाँ कर लिया क्यों तुम दोनों ने नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसकी दोस्त अभीरा कहती यार इस दफ़ा लगता है सिर्फ हम दोनों निकमियाँ हमें नहीं पढ़ रही बाकी पूरी क्लास ही पढ़ रही है। अभीरा कहती तुझे तो पता है अगर मेरी डेट्स मेरी फ्रेंड से भी कम है ना मेरी मम्मा मेरी चाल ले लेंगी, कुछ तो करना होगा यार सोच रही हूँ ग्रुप स्टडी करते हैं। कहती हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ वरना हम इस बार पक्के सबसे कम मार्क्स लेने वाले हैं। अभीरा कहती हाँ कुछ करते हैं अब। तो उसके बाद ये लोग पढ़ने बैठ जाते हैं और साथ साथ अभीरा जो अपना टाइम टेबल बना रही होती है तो उसमें ना वो हर टाइम टेबल में ना जो उसका ब्रेक टाइम होता है ना उसमें ना वो 1/2 आवर रख रही होती है। तो उसकी दोस्त कहती इतनी बड़ी ब्रेक हाँ इतनी ज़्यादा ब्रेक की जो क्या ज़रूरत है। तो अबीरा कहती ये स्पेशल टाइम है किसी स्पेशल इंसान के लिए। तो उसकी दोस्त उसे घूरते कहती क्या मतलब। तो कहती कुछ नहीं ऐसे ही बोला मैंने। तभी मैम आ जाती है स्टडी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे एक के बाद अबीरा के लेक्चर होते हो जा रहे होते हैं और फाइनली उसका ब्रेक टाइम आता है। अबीरा बहुत ही ज़्यादा ब्रेक टाइम में थक चुकी होती है, उसकी चलने की हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर कैफे तक जाए कुछ ले, और वो वहीं बैठी रहती है अपने दोस्त को कहती यार भूख भी बहुत लगी और उठा भी नहीं जा रहा तो मेरे लिए प्लीज़ कुछ ला देना खाने को। उसकी दोस्त कहती जो तेरा हाल है ना मेरा भी वही हाल है यार, अब तो दिल कर रहा है कि हमें यहीं पर बैठे बैठे कुछ खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो हमेशा अबीरा के साथ लड़ाई करती रहती है और वह कहती लो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ खा लो। अबीरा ऐसे उसकी तरफ घूरती है और कहती कि ये कैसे हो गया तुम कब से इतनी अच्छी हो गई। तो वह कहती है लो खाना है तो खाओ वरना मैं वापस लेके जा रही हूँ। अबीरा कहती नो वेट वेट दे दो यार बहुत भूख लग गया। तो वो अबीरा के लिए सैंडविच लाई होती है तो अबीरा मजे से वो सैंडविच खाती है और अपनी दूसरी दोस्त के साथ भी शेयर करती है। कहती थैंक यू सो मच यार कसम से इस टाइम इसकी सख्त ज़रूरत थी। तो वो कहती हाँ मुझे पता है तुम दोनों इस बार बहुत मेहनत कर रहे हो टॉप करने का इरादा है क्या। तो अबीरा की दूसरी दोस्त कहती है मेरा तो पता नहीं लेकिन इसका पक्का टॉप करने का इरादा है। तो अबीरा कहती क्या यार कुछ भी मुझसे ज़्यादा तो तू पढ़ाई कर रही है इस बार। तो वो कहती और मैं इस पूरी क्लास में सबसे कम पढ़ रही हूँ क्या तुम दोनों पढ़ाई में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो अबीरा कहती ओ अच्छा तो इसलिए सैंडविच खिलाया गया था। तो कहती यार प्लीज़ हेल्प कर दो ना।
तो अबीरा कहती है हाँ ठीक है, हम लोग ग्रुप स्टडी का सोच भी रहे हैं, मेरी घर नाना होगा तो तुम भी आ जाना। वो कहती क्या तुम्हारे घर मेरे घर कर लेते हैं ना। अबीरा कहती नहीं, मेरी मोम मुझे किसी और के घर जाना अलाउ नहीं करती। तो वो कहती ओ अच्छा ओके, पता ही था मुझे आंटी ऐसी हैं। तो उसके बाद अबीरा कहती देखो तुम्हें मेरे घर आना है तो तुम आ जाओ, वरना इसके अलावा मैं अब तुम्हारी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो वो कहती हाँ ठीक है आई एम सॉरी, मैं आ जाऊँगी। वैसे कब आना है? तो अबीरा कहती बस परसों से हम ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम फिर स्कूल से स्किप कर रहे हैं। कहती अरे पागल, स्कूल की तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी 1 वीक पहले। अबीरा कहती क्या सच में? कहती हाँ, तूने नहीं सुना? अबीरा कहती नहीं। तो तुम दोनों पढ़ाकू कीड़ों का कहीं और दिमाग जाए तो ना, बाहर बोर्ड पे ही लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे। कहती यार हमने नहीं देखा। वो कहती पता था, बुक्स के अलावा तुम दोनों आजकल कुछ और देख भी नहीं रही। तो अबीरा और वो दोनों दोस्त हंसने लग जाती हैं। तो उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अबीरा अपने दोस्त के साथ फिर से स्टडी कंटिन्यू करती है। और एक के बाद इनके लेक्चर्स होते रहते हैं और फाइनली छुट्टी टाइम आ जाता है। अबीरा बहुत खुश होती है कि बाद वो घर जाएगी और अनोखी से बात करेगी। वहाँ अनोखी भी अब थक चुकी होती है अबीरा का वेट करते करते। तभी कहती है कि चलो जाके शावर ले लेती हूँ, अबीरा से आने से पहले आ जाऊँगी। तो ऐसे बोल के वो शावर लेने जाती है, लेकिन जब वो शावर लेने जाती है तो पानी ख़त्म हो जाता है। वो कहती है अरे यार ये पानी क्यों ख़त्म हो गया? तो वो चिल्लाती है कि कोई है यार, मोटर चला दो, पानी ख़त्म हो गया। तो उसकी मम्मा कहती अरे बेटा तुम्हें नहीं पता यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़ गया है, लाइट नहीं आएगी। कहती वॉट, पानी भी ख़त्म हो गया, मैं कैसे नहाऊँ? उसकी मम्मा कहती है कि मैं थोड़ा सा पानी कैसे अरेंज कर देती हूँ, उसी में नहाओ और बाहर आओ। वो कहती क्या मुसीबत है, अच्छा जल्दी करके तो मुझे लेट हो रहा है। उसकी मम्मा कहती कौन सा तुमने कहीं जाना है हाँ जो तुम्हें लेट हो रहा है, चुपचाप बैठे रहो अंदर। तो उसकी मम्मा जो होती है वो कहीं से इधर उधर से पानी वगैरह सब इकट्ठा करती है और अनोखी को जाके देती है। इतने समय बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। अनोखी को जैसे पानी मिलता है वो फटाफट नहाती है, चेंज वगैरह करती है और फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाने को भागती है। तभी उसकी मम्मा कहती ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? कहती मम्मा वो कहीं नहीं। उसकी मम्मा कहती चलो नीचे आओ, मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी आज। बालों का क्या हशर कर रखा है तुमने, कटवा के कैसे हाल बना रखे अपने बालों का? कहती क्या है मम्मी, बाल ठीक तो है? तो उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ के जाती है, कहती चलो ना। तो उसकी मम्मा से जो है नीचे लेके जाती है, उसके बाल में खुद कंघा करती है और कहती है कि तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली, अब जरा तुम बाल कटवाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और क्योंकि कहती क्या है मम्मा, थोड़ी सी कटवाए थे। उसकी मम्मा कहती कहाँ थोड़े से कटवाए थे, इतने बड़े बड़े बाल थे तुम्हारे, अब देखो कितने थोड़े रह गए हैं। तो अनोखी बोलती अच्छा मम्मा ठीक है मैं जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती क्या जल्दी पड़ी हो तुम ऊपर जाने की? हाँ अनोखी बोलती आ कुछ नहीं बस ऐसी। उसकी मम्मा कहती ठीक है पहले जाओ हैंड वॉश करो और मुझे खाना ला के दो। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है। तो अनोखी फटाक से जाती है, हैंड वॉश करती है, मम्मा को खाना ला के देती है। जैसे मम्मा को खाना ला के देती है तो उसकी मम्मा कहती है मेरे सर में बहुत दर्द है, एक कप चाय भी बना दो। अनोखी बोलती क्या यार मम्मा, किस्तों पे काम बता रहे हो, पहले बता देते, वो भी खड़ा के आ जाती है। उसकी मम्मा कहती क्या है, माँ के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? अनोखी बोलती हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो अनोखी फिर भागती है जल्दी से चाय बना के आती है। जैसे वो मम्मा को चाय ला के देती है, उसकी मम्मा कहती बेटा सुनो मुझे पानी भी दे दो और साथ में जो है वो पेन किलर भी दे दो, बहुत बॉडी में पेन हो रहा है। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है। तो अनोखी फिर से भागती है, वो पानी की बोतल गिलास और मेडिसिन ला के देती है उसकी मम्मा को। तो उसकी मम्मा कहती अरे ये वाली नहीं मांगी मैंने। कहती मम्मा आपने पेन किलर मांगती, पेन किलर तो है। उसकी मम्मा कहती तुम्हें पता है मैं ये वाली नहीं खाती, वो जो पर्पल पत्ते वाली है ना वो ला के दो। उनकी बोलती आप ये पर्पल पत्ते वाली कहाँ से ढूंढूँ? तो उनकी भागती है मम्मा के रूम में, उनका मेडिसिन वाला एक बॉक्स होता है उसे खोलती है, लेकिन वो मेडिसिन उन्हें नहीं मिलती। तो इधर उधर देखती है ड्रामे और फाइनली वो मेडिसिन मिल जाती है। कहती आह फाइनली मिली। तो ऐसे बोल के वो घड़ी की तरफ देखती है, कहती अब तक तो मेरा घर आ गई होगी, फ्रेश भी हो गई होगी, जान ले लगी मेरी यार हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो भागते हुए जाके मम्मा को देती है, कहती ये लो मम्मा आपकी मेडिसिन, अब मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती अरे सुनो अनोखी बोलती अब क्या है? उसकी मम्मा कहती खाने के बर्तन तो रख दो और धो भी देना। अनोखी बोलती यार मम्मा बाद में धो दूंगी, भागे थोड़ी जा रहे हैं। उसकी मम्मा कहती हाँ जैसे तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है जिस तरह तुम भाग रहे हो, चुपचाप धो के जाना। आई बड़ी तुम्हें मैंने नौकर समझ रखा है, मुझसे नहीं धोए जाते, अब ये काम नहीं होता मुझसे। अनोखी बोलती अरे आपको किसने बोला करने को, मैं बाद में कर लूँगी। उसकी मम्मा कहती अभी करोगी वरना तुम ऊपर नहीं जा सकती, जब देखो रूम 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 हर टाइम रूम में घुसी रहती हो, ऐसे क्या है तुम्हारे रूम में? अनोखी बोलती अच्छा ठीक है भाई धो के जाऊँगी। तो अनोखी फिर भागती है, बर्तन लेके जाती है, उन्हें अच्छे से धोती है और फिर कहती है अब तो जल्दी से ऊपर जाना होगा, बहुत लेट हो गया। तो वो भागते हुए ऊपर जाती है, पीछे से उसकी मम्मा से आवाज़ लगाती है अनोखी बोलती अब नहीं मम्मा बस बहुत हो गया, अब मैं आधे घंटे बाद नहीं चाहूँगी, उससे पहले नहीं आने वाली और प्लीज़ अब आप मुझे आवाज़ भी मत लगाना। तो भागते हुए ऊपर रूम में जाती है, जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि अबीरा की 5 मिस कॉल जा रही होती है। अनोखी कहती बाप रे बाप ये तो जान ले लेगी मेरी। तो अनोखी से कॉल बैक करती है, अबीरा तुरंत कॉल उठाती है और कहती है कि इतना लेट? हाँ पता होता है मैं घर आने वाली हूँ, उस टाइम तो फ्री रहा करो, सारा दिन तो आपके पास टाइम होता है। अनोखी बोलती है हम सॉरी कुछ काम कर रही थी। अबीरा बोलती मेरे आने से पहले काम खत्म क्यों नहीं कर लेती यार, पता भी है मेरे आने का टाइम है।
पता है पिछले आधे घंटे से आपको ट्राई कर रही हूँ कि मैडम अब उठाएगी अब उठाएगी अब उठाएगी, इससे अच्छा तो मैं कुछ पढ़ ही लेती। उन्होंने की बती हाँ तो मैं नहीं थी तो पढ़ लेती ना अभी रबती। वाह ये सही है, ये नहीं कह रही ठीक है आई एम सॉरी मुझे लेट हो गया, उल्टा कह रही है हर बार ना मेरी गलती ढूंढ लेती, अपनी गलती क्यों नहीं दिखती तुम्हें। अनु की बती ठीक है ठीक है आई एम सॉरी आई एम सॉरी मेरी गलती, जान मैं क्या करती मम्मा को एंड टाइम भी काम याद रहता है आई एम सॉरी, एक काम उनका खत्म होता था तो दूसरा काम बोल देती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी बच्चा प्लीज़ 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 आई नो मेरी गलती है। अभी रबती ओके पढ़ रही हूँ मैं बाय। अनु की बती अरे मैं अभी तो आई हूँ थोड़ी सी तो बात कर लो। अभी रबती मैं आधे घंटे से फ्री थी आप ही बिजी थे मेरा स्टडी टाइम हो गया बाय। अनु की बती सुनो तो सही, अभी रबती मैं अपना शेड्यूल भेज रही हूँ वो देख लो, समझ जा रही है ना आपको। तो अभी जो बहुत गुस्से में होती है वो उससे शेड्यूल भेज देती है अनु की, उसका शेड्यूल देखती है कितना टफ शेड्यूल। तो मैसेज करती है ये जो हर 3 घंटे बाद हाफ एन आवर ब्रेक है वो किस लिए है। अभी रब होती वो आपका टाइप है। अनु की बोती व्हाट सिर्फ हाफ एन आवर दोगी मुझे, कहती हाँ हर 3 घंटे बाद हाफ एन आवर। तो मेरे ऐसे बोल के मोबाइल जो है वो साइड पर रख देती है और अनु की कहती बाप रे बाप ये सिर्फ हाफ एन आवर मुझे देगी, फिर उस हाफ एन आवर में मैं क्या बात करूँगी मैडम इतनी थकी हुई होगी, बहुत टफ शेड्यूल है यार ये लड़की कैसे इतना पढ़ लेती है, मैं आज तक इतना नहीं पढ़ी। तो अनु की थोड़ा परेशान हो जाती है फिर लेट जाती है, कहती आह बहुत थक गई हूँ। तो ऐसे बोल के टाइम की तरफ देखते हैं कहती अब 3 घंटे मैं क्या करूँ, नीचे चली जाती हूँ मम्मा के पास। तो ऐसे बोल के नीचे जाती है कहती मम्मा आपने बुलाया था ना लो आ गए बोलो, उसकी मम्मा कहती जब काम आता है तब तो आती नहीं अब जाओ यहाँ से कोई काम नहीं है मुझे। अनु की बोलती ये सही है यार जो काम बोला ना अभी बोल दो मैं बोल रही हूँ, 3 घंटे के बाद मैं फिर से हाफ एन आवर के लिए रूम में चली जाऊँगी फिर नहीं आऊँगी। उसकी मम्मा कहती तुम्हें क्या दो रहे हैं ना तुम कुछ जॉब करती हो ना तुम स्टडी करती हो तो कहाँ बिजी रहती हो। अनु की बोलती कहाँ बिजी हूँ मम्मा फ्री तो बोलो ना क्या काम है अब बोल रहे हो तो काम नहीं बताओगे। तो तभी उसकी भाभी और बच्चे आ जाते हैं, अरे भाभी अब आ गई जैसे बोल के भाग के जाती है बच्चों को उठाती है उन्हें हग करती है कहती इतने दिनों बाद आए हो यार आई मिस यू सो मच। तैसे बोल के सारे बच्चों को किस करती है और कहती है कि भाभी आप इतने दिनों के लिए क्यों जाती हो मायके, आपको पता है बच्चों के बगैर मेरा मन नहीं लगता क्यों लेके जाती हो इन्हें, आपको जाना होता ना आप जाओ जितने दिन रहना रहो लेकिन बच्चों को नहीं लेके जाना। तो कहती अरे मैं मेरे घर गई थी और वो इनका भी तो कुछ लगते हैं ना जिस तरह आपको भी प्यारे हैं मेरे घर वालों को भी प्यारे हैं। तो उन्होंने कहती आई नो यार बट मेरे इनके बगैर दिन नहीं लगता यार बोर हो जाती हूँ सारा दिन। उसकी मम्मा कहती बस बस ज़्यादा मत बनो झूठ बोल रही है सारे दिन हमने रूम में पड़ी रहती है। उन्होंने की बोती हाँ तो रूम के बाहर क्या करूँ, आके आप मुझसे बात नहीं करती घर का काम मैं पहले कर लेती हूँ भाई भी बाहर रहता है तो किस लिए बाहर रहती है इसलिए रूम में रहती थी, अब बच्चे आ गए ना देखना मैं सारा टाइम इन्हीं की समझती करूँगी। ऐसे बोल के अनोखी ना अपने भतीजा भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा खेलने लगती है उन्हें ढेर सारा प्यार करती है। तब उसकी भाभी कहती है यार मैं इतना थक के आई हूँ मुझे भी कोई वैल्यू दे दो थोड़ा पानी पिला दो। अनु की बोती सॉरी सॉरी इतने दिनों बाद बच्चों के मिलना भूल ही गई पानी पिलाना अभी लेके आती हूँ। तो अनु की पानी लेके आती है बच्चों के लिए भी भाभी के लिए भी पानी पिलाती है फिर बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। खेलते खेलते उसके 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं उसे खुद पता नहीं चलता और फिर घड़ी की तरफ देखते कहती फाइनली अब तक तो मेरी जानो फ्री हो गई होगी। ऐसे बोल के रूम में जाती है मोबाइल उठाती है देखती है कि अभी रखिए काफ़ी सारी मिस कॉल जाए हुए थे अनु की कहती और फिर से मिस हो गई। तो बीरा फिर जो है कॉल का वेट कर रही होती है अनु की जैसे कॉल करती है बीरा तुरंत कॉल उठाती होगी दी कहाँ थी। अनु की बती आपने बोला 3 घंटे बाद टाइम दूंगी इसलिए मैं नीचे थी। अमीरा बती वाह अच्छे से पता जब तक कॉल पर नहीं होती मैं नहीं पढ़ाई कर सकती क्यों गई थी फिर हाँ पता नहीं था मैं कॉल करूँगी। अनु की बती कुछ तो बोला था 3 घंटे बाद बात करूँगी। अमीरा बती हाँ मैंने बोला 3 घंटे बाद बात करूँगी ये तो नहीं बोला था कि कॉल पर भी 3 घंटे बाद ही रखूँगी। अनु की बती ओके मेरी मां सॉरी किस तो मैं बताती हूँ अब तुम भी मम्मा की तरह हर बात पहले नहीं बोल सकती थी। अभी रबती हाँ मैं बोलूँ तो कॉल पे रखोगे खुद से तो मन नहीं करता है ना। अनु की बोती ओके ओके रिलैक्स लड़ाई करने का इरादा है क्या। अभी रबती यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ तो पढ़ा नहीं जा रहा ऊपर से आप भी नहीं थी। अनु की बोती ओके ओके आई एम सॉरी आई नो आपका स्टडी का बहुत प्रेशर है ऊपर से मैं भी आपको तंग करती रहती हूँ अच्छा एम सॉरी पढ़ लो ओके इधर ही हूँ मैं। अभी रबती कहीं मत जाना इधर ही रहना मैं मुँह तोड़ दूँगी। अनु बोती ओके ओके इधर ही हूँ बाबा पढ़ लो। तो उसके बाद अबीरा थोड़ा सा पढ़ाई करती है और फिर कहती है कि चलो अब मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो अबीरा थोड़ी देर लेट जाती है और लेटे हुए अनोखी से बातें कर रही होती है। तो ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और जो अबीरा ने टाइम ना था हाफ एन आवर टाइम दूंगी अनोखी को वो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि बात करते करते 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं इन दोनों में से किसी को पता नहीं चलता। तभी अबीरा की देर रुक में आती है और कहती है कि तुम अभी तक बात कर रही हो हाँ मुझे लगा था तुम पढ़ाई कर रही होगी। अबीरा कहती है हाँ बस अभी तो बात कर रही हूँ अभी कॉल किया बस अभी थोड़ी देर बात करूँगी। उसकी दी कहती मैं पहले भी आती तुम बात कर रही थी कहाँ टाइम देखो कितना लेट हो गया है। अबीरा जो है वो घड़ी की तरफ देखती कहती वो शीट कब से मैं बात कर रही थी
क्या यार अनोखी बता नहीं सकती थी, पता था ना मैंने पढ़ाई करनी है अनोखी, कहते हम सॉरी मुझे टाइम का नहीं पता चला। अब रूपति क्या यार मेरे दिन का पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया, ठीक है भाई मैं जा रही हूँ। अनुपति आपने तो बोला था कॉल कट नहीं करूँगी। रूपति हाँ हाँ समझा करो, बिल्कुल वही चीज़ कह रही हूँ मैं अभी। तो अनोखी समझ जाती है कि आप ही के सामने ऐसे बाय बोल रही है कॉल नहीं कट करने वाली। तो अभी ऐसे कहती है कॉल कट करने की एक्टिंग करती है और हैंडफ्री काम ही रहने देती है। उसकी दी कहती है कि फिर से हैंडफ्री काम ही लगा के पढ़ना है, निकालो इसे। अभी कहती आपको बोला ना इसके बगैर मुझे नहीं पढ़ा जाता। तो उसके कहती ठीक है जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। तो उसके आप फिर से नीचे चली जाती है, वो ज़्यादा टाइम रूम से बाहर रहती है ताकि वो बीरा को डिस्टर्ब ना करे। वो टीवी लाउंज में बैठ रहती है, ये अपनी मम्मा के रूम में रहती है और ये अभीरा स्कूल से पढ़ाई करती है और काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद बहुत थक जाती है और काफ़ी भूख भी लगती है। तभी उसकी आपिस होती है, उसके लिए खाना लेके आती है, साथ में फ्रेश जूस निकाल के लेके आती है। अभिरा की थैंक यू सो मच आपिस की, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उसके आप ऐसे उसके बाल झाड़ पे करती है कि इतनी पढ़ाई में मशगूल हो गई हो कि बालों का भी होश नहीं है, रुको कंघा कर देती हूँ, ऐसे बोल के उसके बालों में कंघा करती है। तो अभिरा को बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है उसकी कज़न सिस्टर। तो अभिरा को अपनी रेल वाली आपी की याद आने लगती है कि जब पहले इसके एग्जाम्स होते थे तो उसकी आपी इसी तरह उसका ख्याल रखती थी। और अभिरा की आँख भर आती है, उसके आपी कहती क्या हुआ वो क्यों रो, जूस अच्छा नहीं बना क्या? अभिरा कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर उसकी आप ही कहती क्या हुआ मैंने बाल ज़्यादा खींचे? अभिरा बोलती नहीं। फिर आप ही कहती बोलो ना हुआ क्या? मैं कहती आज वो आप ही की याद आ गई, वो भी इसी तरह मेरा ख्याल रखती थी। आई रियली मिस हर यार, सच में कभी कभी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तभी उसके कज़न आप ही उसका हाथ पकड़ती हो, कहती मैं भी तो तुम्हारी आप ही हूँ ना? कहती हाँ आप मेरी आप ही हो, आप मेरा ख्याल भी बहुत रखती हो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भूल नहीं पा रही। उन्होंने क्यों किया ये सब? अगर वह ऐसा नहीं करती तो आज वो हम सबके साथ होती। तो उसकी कज़न आप उसे हक कर लेती है और उसको कहती है कि ठीक है रोना बंद करो। के तुम्हें पता नहीं इस टाइम तुम रो के टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ रोगी तो तबीयत ख़राब होगी और इस टाइम तुम्हें अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना है, एग्ज़ाम्स है ना। तो भीरा अपने आंसू साफ करती है, कहती बस क्या कहती चलो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर पढ़ाई करना। भीरा कहती नहीं अभी बहुत रहता है। उसके आप कहती रिलैक्स, इतना टेंशन होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभिरा कहती मैं सोच रही हूँ कि आज इस पूरी बुक को कवर कर लूँ। तो उसके आप ही कहती इसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो अभिरा कहती ज़्यादा नहीं बस 12 चैप्टर है। उसके आप कहती 12 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करूँगी? दिमाग ख़राब हो गया है, रट्टे लगा रही हो? वो कहती नहीं पहले भी आता है बस थोड़ा थोड़ा उसको याद करना है। उसके आप कहती ऐसे मत करो थोड़ा थोड़ा करके रखो करो। तो कहती दिन बहुत कम रह गया है, एक दिन में एक बुक जाके कवर करूँगी फिर एग्जाम तक कुछ कर पाऊँगी। उसके आप कहती अच्छा ठीक है जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। उसके आप ही उठ के चली जाती है, वो तो चली जाती है लेकिन अभिरा अभी भी सैड होती है, वो अपने आप ही को बहुत याद कर रही होती है। तभी अभिरा जो होती है वो मैसेज करती है अनोखी कहाँ हो आप? तो अनोखी एक वॉइस मैसेज करती है कि मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो पीछे से बच्चों का बहुत शोर आता है। तो अभिरा कहती ये घर में बच्चे कहाँ से आए, कोई गेस्ट आया है क्या? अभिरा कहती गेस्ट नहीं आए ये घर के बच्चे हैं। कहती अरे ये कब हुए आपने मुझे कभी नहीं बताया? अनोखी पति अरे ये तो काफ़ी साल पहले इस दुनिया में आ गए लेकिन अपनी नानों के घर से आज ही आए हैं, पूरे 2 मंथ्स लगा के आई है मेरी भाभी अपने नानों के घर में, तो बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। तो अभी कहती ओ अच्छा आपके भाई की शादी भी हो रखी है? कहती हाँ बच्चे भी हैं उनके। कहती ओ अच्छा मुझे पता नहीं था ना आपके भाई आपके साथ इतने फ्रैंक होते हैं, मुझे लगा शायद आपकी एज का। कहते नहीं मेरा भाई मुझसे 6 साल बड़ा है। अमीरा एकदम शॉक्ड हो जाती, कहती क्या 6 साल बड़ा है? कहती हाँ वो मुझसे 6 साल बड़ा है। अमीरा हंसते हुए कहती अच्छा मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। उसके बाद अनोखी मैसेज कर दिया कि आपका पढ़ाई हो गई? अमीरा कहती नहीं बस अभी करने लगी हूँ। अनोखी बोलती थोड़ा रेस्ट भी कर लो। अमीरा कहती मेरा रेस्ट तो आप हो ना, चलो एक प्यारी सी वॉइस नोट कर दो जिसमें बच्चों को शोर ना हो प्लीज़। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है रूम में जाके करती हूँ। अभीरा वेट करने लगती है और आंखें बंद कर लेती है। अनोखी रूम में जाती है और वॉइस मैसेज करती है, कहती हे लव कैसी हो, ठीक हो? अच्छा सुनो आई नो एग्ज़ाम है प्रेशर है बट इतना प्रेशर मत लो कि रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है आप जीनियस हो, आप बहुत अच्छे से पेपर दोगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, देखना फर्स्ट पोजिशन आना बनती है जितनी आप मेहनत करी हो, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखो। अरे तबीयत ठीक होगी तभी तो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे ना। आई लव यू एंड आई मिस यू एंड किस यू आई हग यू करके चलो अब अच्छे से रेस्ट कर लो, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करना होगी और मैं इधर ही हूँ कहीं नहीं जा रही, बस बच्चे आए ना तो उनको कुछ बना के दे रही थी। ओके आई लव यू सो मच। तो अभिरा जब भी वॉइस नोट सुनती है तो उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और स्पेशली वो वर्ड जो अनोखी बोल रही होती है हे लव हाय। अभिरा उस वॉइस को बार बार सुनती है और जब भी अनोखी हे लव बोलती है ना अभिरा के दिल में एक बेचैनी सी एक सुकून सी पता नहीं अजीब सी फीलिंग सी जागने लगती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी आँखें बंद करती है और बार बार वही वॉइस प्ले करती है और उसे सुनती रहती है। अभिरा को बहुत सुकून मिलता है और उसे बहुत अच्छा
लव्स लगता है, ही लव। और वो कहती है कि जब अनोखी मुझे ही लव बोलती है तो कितना अच्छा लगता है ना, मेरा दिल करता है कि बस वो ऐसे ही मुझे लव कह के बुलाती रहे। कितना सुकून देता है ये वर्ड, कभी सोचा नहीं था सिर्फ ही लव भी इतना सुकून दे सकता है किसी को। मैं तो पागल हो जाऊँगी इसके प्यार में, मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, क्या आपने उसे मेरी लाइफ में भेजा, आई एम सो ग्लैड। पर डर भी लगता है कहीं ये मेरा प्यार जितनी मुझे खुशियाँ दे रहा उतना दर्द ना दे दे, और डर इस बात का भी लगता है कहीं मैं ही अनोखी को दर्द ना दे दूँ। वो बहुत अच्छी है अल्लाह जी, प्लीज़ उसे कभी कोई तकलीफ़ कोई दर्द कभी कुछ मत देना, जो भी देना उसे मुझे देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैनवाल पार्ट में क्या होगा, तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले एक छोटी सी नन्नी मुनी सी प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल यानी लव का पढ़ना को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लो। दिन टाटा बाय बाय।